पिछली बार चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप ने किशोर अपराध का अर्थ, उसकी विशेषताएं और परिभाषा का अध्ययन किया था। आज हम किशोर अपराध के कारणों का अध्ययन करेंगे। किस कारण से किशोर अपराध की तरफ प्रवृत्त होते हैं, जिसमें सबसे पहले व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत कारण में जो उनके खुद के जो कारण होते हैं व्यक्तिगत रूप से, इसमें सबसे पहले शारीरिक दोष यानी हीन भावना मुख्य लक्षण है किशोर अपराध के। इसमें अस्वस्थ शरीर एवं रोग अभाव और जन्मजात या अर्जित की हुई विशेषताएं आती है, यानी या तो व्यक्ति जन्मजात उसमें शारीरिक दोष पाए जाते हैं या फिर जो वो अर्जित करता है, जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है उस समय वह उनको जो अर्जित करता है वह शारीरिक दोष, जिसके कारण वह अपराध की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद है अवरुद्ध विकास, यानी बालकों का जो आयु के अनुसार जो शारीरिक विकास नहीं होता या अनुपात नहीं हो पाता, शारीरिक रूप से जो अनुपात में जिस अनुपात में होना चाहिए उनका विकास उस अनुपात में नहीं हो पाता, तो वह समाज से बदला लेने की प्रवृत्ति उनमें विकसित होती है और जागृत होती है, जिसके कारण वह अपराधी बनते हैं। उसके बाद है यौनांगों का तीव्र विकास, यानी जो किशोर अवस्था ऐसी है जिसमें किशोरों के यौनांगों का तीव्र गति से विकास होता है, जिसके कारण वह कई ऐसी असामाजिक क्रियाएं है, अनैतिक क्रियाएं है जिनमें लिप्त हो जाते हैं और जिसके पूरा करने के लिए वह अपराधों का सहारा लेते हैं। उसके बाद है अपराधी प्रवृत्ति, यानी कुछ लोगों का मानना है कि बालक जो है वो अपराधी प्रवृत्ति जन्म से लेकर पैदा होता है और धीरे धीरे जब वह किशोरावस्था में आता है तो वह जो उनकी अपराधी प्रवृत्ति जो जन्मजात होती है वह विकसित हो जाती है और वो अपराधों की तरफ अग्रसर होते हैं। उसके बाद आता है अपना मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण में जैसे जब किशोर पर मनोविश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है तो उनमें मानसिक दुर्बलता, मानसिक रोग, असंगठित व्यक्तित्व के लक्षण और संवेगात्मक स्थिरता आदि विस्तृत व्यक्तित्व के लक्षण पाए गए हैं या पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले बौद्धिक दुर्बलता, यानी कई विद्वान यह मानते हैं कि बौद्धिक रूप से जो दुर्बल जो किशोर होता है वह अपराधों की तरफ अग्रसर होता है। फिर है उसके बाद है मानसिक रोग, यानी जब बालक में निर्णय लेने की असमर्थता होती है, विचार उनके शून्य होते हैं, विचार नहीं लेने की असमर्थता से कुसमायोजन उत्पन्न हो जाता है तो वह असामान्य या सामान्य व्यवहार नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण मानसिक रोगी की उनको संज्ञा दी जाती है। और मानसिक रोगी की जब संज्ञा दी जाती है तो यह किशोर अपराधों की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद है हीन भावना, यानी जब बालक की किसी तीव्र इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती है तो उसमें हीन ग्रंथियों या हीन ग्रंथि का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप वह अपराधी बन जाता है। इन भावनाओं के कारण वह स्वयं का विकास अवरुद्ध करता है और बदले की भावना के वशीभूत होकर असामाजिक कार्य भी करने लगता है। उसके बाद है संवेगात्मक अस्थिरता, यानी जब बालक का विकास समुचित रूप से ध्यान नहीं दिया जाता तो उसके संवेगों का सही रूप से विकास नहीं हो पाता है, यानी उसमें प्रेम है, सहानुभूति है, असुरक्षा की कमी है, कठोर अनुशासन है, अपर्याप्तता है और विद्रोही है, ये आदि भावनाएं उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि जब तक बालक पर हम संपूर्ण रूप से ध्यान नहीं देंगे तो उसमें असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, जिसके कारण उनके संवेग जो है अस्थिर होते हैं और जिसके कारण वह अपराधों की तरफ बढ़ते हैं। अब है अपना सामाजिक कारण।
सामाजिक कारण में समाज की स्वार्थपरता का साधन मात्र है, यानी समाज जो है मानव की जो है वो स्वार्थपरता का साधन है, क्योंकि समाज है वो मानव की स्वार्थ के साधनों की पूर्ति करता है। जब समाज समाज उसकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता है तो वह उसके नियमों का उल्लंघन करता है, जिससे उसको अपराधी की संज्ञा दी जाती है। यानी हर व्यक्ति को समाज से कुछ न कुछ आशाएं होती है, जिसके कारण वह समाज में रहकर सारे कार्य करता है, किंतु अगर किसी कारणवश उनकी आकांक्षाएं और इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो वह अपराध की तरफ लिप्त हो जाते हैं, अपराधों की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसमें है सबसे पहले परिवार का दूषित वातावरण। सामाजिक कारणों में परिवार का वातावरण, यानी कहा जाता है कि जैसे बालक का परिवार का वातावरण होगा, बालक का विकास भी उसी तरीके का होगा। उसमें सबसे पहले जैसे परिवार का वातावरण का, जैसे परिवार के वातावरण में किशोर अपराध की तरफ बढ़ने का मुख्य कारण है परिवार का जो वातावरण है, यानी जो परिवार में जैसे सौतेले माता पिता का होना, माता पिता के झगड़े होना, परिवार में कठोर अनुशासन होना, परिवार की गरीबी होना, किशोरों का अन्य परिवारों से तुलना करना या अपनी और किसी और से तुलना करना, उच्च आकांक्षाएं रखना, माता पिता की गलत आदतें होना, तलाक, कई माता पिता के बीच में तलाक होना, माँ की नौकरी करना, ये जो सारे पारिवारिक कारण है वह किशोरों को अपराध की तरफ धकेलते हैं। उसके बाद है कृत्रिम मनोरंजन के साधन, यानी मनोरंजन कृत्रिम मनोरंजन के साधनों के रूप में जैसे सिनेमा है, शराब खाने है, वैश्यालय है, जुआ है, लॉटरी है, अश्लील चित्र है और गाने हैं, दूषित साहित्य है, ये आदि जो पर्याप्त मात्रा में जो पाए जाते हैं कृत्रिम साधन, यह किशोरों को अपराध की तरफ धकेलते हैं, क्योंकि वह सिनेमा देखने की चाह में अपराधों की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद है अपना युद्ध, पांचवा। अब युद्ध में जैसे युद्ध से जो अपने पूरे देश का जो वातावरण है वो एकदम से बदल जाता है, शिक्षा व अर्थव्यवस्था भी छिन्न भिन्न हो जाती है, बिखर जाती है शिक्षा और अपनी जो अर्थव्यवस्था होती है, जिससे बालकों की उचित देखभाल नहीं हो पाती है, युद्ध में बाल जिससे किशोरों की उचित देखभाल नहीं हो पाती है, उनके पिता का मर जाना, अनाथ किशोरों का होना, फिर है मानसिक एवं शारीरिक रोग है, विकलांगता। हाँ, युद्ध में जो उनको शारीरिक और मानसिक रोग होता है, जो विकलांगता होती है, उसके कारण किशोर अपराधों की तरफ अग्रसर होते हैं। उसके बाद है सामाजिक विघटन, यानी समाज का टुकड़ों में बंटना, विघटन होना। समाज मनोवृत्तियों का एक संगठन है तथा इसमें किसी कारणवश अगर विघटन होने लगता है तो उसका प्रभाव सीधे किशोरों पर पड़ता है। वर्तमान समय में विज्ञान ने सात्विक प्रवृत्ति को हटाकर भौतिकवाद की स्थापना कर दी है। इसके विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक वृद्धि हुई तथा समाज में